हेलो फ्रेंड्स, गीतिका के किचन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले देखते हैं। एक कप कद्दूकस की हुई गाजर, दो कप कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, डाइस में कटे हुए शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज की प्याज वो भी डाइस में कटी हुई, उसके अलावा बारीक प्याज चॉप की हुई, दो हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, 15 से 20 कली लहसुन, एक इंच का अदरक का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च को हमने क्रश करके ये तैयार करके रख लिया है। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर, मैदा और नमक, ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, अजीनोमोटो। ग्रीन चिली सॉस और डार्क सोया सॉस। सबसे पहले हम बोल में पत्ता गोभी लेंगे, बारीक कद्दूकस किया हुआ, इसमें एक कप कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे, प्याज एक मीडियम साइज का कटा हुआ, अदरक लहसुन और मिर्ची क्रश किया हुआ है पूरा पेस्ट डाल देंगे, नमक दो चम्मच, छोटी दो चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च एक चम्मच, अजीनोमोटो छोटी चम्मच आधी चम्मच, मैदा तीन चम्मच, कॉर्नफ्लोर पाउडर तीन चम्मच, ग्रीन चिली सॉस जरा सा और डार्क सोया सॉस लगभग तीन से चार चम्मच। अब इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे। अजीनोमोटो को हम चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं, और ये आपकी इच्छा हो तो आप डालिए। कई बार हम बच्चों को ये नहीं देते अजीनोमोटो, कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है, तो अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालने से भी प्रॉब्लम नहीं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसके हम बॉल बना लेंगे। मीडियम साइज के बॉल हैं। हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं, इसको गरम तेल में हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बॉल्स ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुके हैं, सारे बॉल्स को हम इसी तरह तल लेंगे।
हमारे मंचूरियन के बॉल्स रेडी हो गए हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें सबसे पहले चॉप किया हुआ लहसुन, जो 15 से 20 कली लहसुन थी हमने उसको बारीक काट लिया है। 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, 2 मिनट तक चलाते रहें। ये कॉर्नफ्लोर पाउडर है 1 चम्मच, इसको हम 1 कप पानी में घोल लेंगे। इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच अजीनोमोटो जिसको हम चाइनीज सॉल्ट भी बोलते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के मिला लेंगे। इसके अलावा इसमें सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है, लगभग 2 से 3 चम्मच। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो डाइस में हमारे पास कटी हुई थी। इसके बाद प्याज जब सौते हो जाएगी हम शिमला मिर्च डाल देंगे। स्वादानुसार नमक, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस शिमला मिर्च और प्याज सौते हो जाए उतना ही पकाएं। अब हम इसमें ये रेडी किया हुआ कॉर्नफ्लोर जो घोले थे वो डाल देंगे। इसको लगातार चलाते रहें। अब गाढ़ा हो गया है ये। अब हम इसमें रेडी किए हुए मंचूरियन के बॉल्स डाल देंगे। ये हमारा मंचूरियन अब रेडी हो गया है। मंचूरियन हमारा रेडी हो चुका है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारा टेस्टी सा मंचूरियन रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।